पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू कपड़ा क्षेत्र और निर्यात बाजारों दोनों की मजबूत मांग और उच्च वैश्विक कीमतों के कारण कपास की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल एक आधिकारिक नोटिस के अनुसार चीन अपने कपास भंडार से बिक्री का एक नया दौर शुरू करेगा, जिसमें कुल 6 लाख टन आयातित और घरेलू कपास को दैनिक नीलामी में बेचा जाएगा। यह इस वर्ष भंडार से जारी कपास का दूसरा बैच है और इसे कताई कंपनियों से फाइबर की मांग को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। 2021-22 फसल वर्ष के लिए उत्पादन अनुमान और अमेरिका में अंतिम स्टॉक 18.20 मिलियन है। वहीं USDA ने कहा है कि 2021-22 के लिए वैश्विक कपास बैलेंस शीट में उच्च उत्पादन और खपत और थोड़ा कम स्टॉक शामिल है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि CAI ने 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हो रहे नए सीजन के लिए अपने पहले अनुमान में कहा है कि 2021-22 सीजन में भारत का कपास उत्पादन 170 किलोग्राम की जिसमें एक गांठ है 360.13 लाख गांठ होने की संभावना है, जो कि पिछले सीजन की 353 लाख गांठ की फसल की तुलना में 7.13 लाख गांठ अधिक है। तकनीकी रूप से बाजार में ताज़ा खरीदारी हो रही है क्योंकि बाजार में खुले ब्याज में तेजी देखने को मिल रही है। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में कपास की कीमतें वायदा बाजार में 33,500 रुपये प्रति क्विंटल तक ऊपर जा सकती हैं। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।